हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ यादव मुकेश राज एंड आप देख रहे हैं MG एडिट जॉन। सो गाइस, आज के एडिटिंग में आप लोगों को डार्क ब्लू मोडी टोन इफेक्ट फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ लाइटरूम एंड स्नैपसीड एप्लीकेशन की सहायता से। तो गाइस, जिसे स्नैपसीड एप्लीकेशन से फोटो एडिट करना नहीं आता उनके लिए ये वीडियो बेस्ट है, और जो स्नैपसीड एप्लीकेशन को यूज करते हैं यानी एडिटिंग करते हैं उसके लिए एडिटिंग बेस्ट है। तो गाइस, इस एडिटिंग को सीखने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड हमारे चैनल में नहीं हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हमारे ऐसे ही एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ओके गाइस, तो चलिए एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमें स्नैपसीड एप्लीकेशन ओपन करना है। जब हम स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हमें क्या करना है, इस प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है और अपनी गैलरी से एक फ़ोटो को हमें ऐड कर लेना है। तो गाइस, चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ। सो गाइस, मैं अपनी गैलरी पे आ गया हूँ। यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो को लेता हूँ। जैसे मुझे इस फ़ोटो को एडिटिंग करनी है तो मैं इस पे क्लिक कर दूँगा। सो गाइस, हमारी फ़ोटो स्नैपसीड एप्लीकेशन में ओपन हो चुकी है। तो चलिए एडिटिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे फर्स्ट में जाएंगे पेंसिल वाले आइकन पे, इस पे ओके गाइस एंड यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से हमको फर्स्ट वाला ऑप्शन ट्यून इमेज को हमको सेलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, एंड अपनी फ़ोटो की लाइट को एडजस्ट कर लेना है। तो उसके लिए अपनी फिंगर को स्क्रीन में स्लाइड करेंगे कुछ इस टाइप से। ओके गाइस, तो चलिए ब्राइटनेस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। तो इसे हम +10 रखेंगे एंड नीचे आते हैं कॉन्ट्रास्ट, इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +10 रखेंगे एंड नीचे आते हैं सेचुरेशन, इसकी वैल्यू को हम -100 कर देंगे। एंड नीचे आते हैं एम्बियंस, इसकी वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम -10 रखेंगे। एंड नीचे आते हैं शैडोज पे एंड इसकी शैडोज की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम -10 रखेंगे एंड नीचे टिक का साइन है, यहाँ से कर देंगे हम इसे डन। ओके गाइस, फिर जाना है हमको इस वाले आइकन पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से हमको व्यू एडिट्स पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके गाइस, तो यहाँ से हमें ट्यून इमेज पे क्लिक करना है और यहाँ से हमें ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर इन्वर्ट पे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो भी इफेक्ट है वो दिखेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें स्पेशल दो ऑप्शन है, इससे हम अपना इफेक्ट को हम डिक्रीज कर सकते हैं यानी कि हटा सकते हैं और यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने स्किन से इफेक्ट को हटाना है, तो उसके लिए ये आइकन का यूज करेंगे। तो चलिए मैं पहले फ़ोटो को जूम कर लेता हूँ कुछ इस टाइप से और इसे हम इरेज करेंगे जहाँ जहाँ हमको नहीं चाहिए। ओके गाइस, तो चलिए मैं इसे स्पीड में कर देता हूँ। ठीक है, हो गया इरेज। तो फिर से देखिए टिक का साइन है नीचे पे, यहाँ से कर देंगे हम इसे डन एंड ये एरो का साइन है, इस पर क्लिक करेंगे और हम बैक आ जाएंगे। ओके गाइस, फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है, फिर से हमको पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना है और सबसे नीचे में देखिए ये डबल एक्सपोजर का ऑप्शन है, इस वाले आइकन पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम प्लस वाले साइन पर क्लिक करेंगे और अपनी गैलरी से कोई भी एक इमेज को ऐड कर लेंगे। जैसे मुझे यूज करना है ये बैकग्राउंड वाला इमेज, हम इसे सिलेक्ट करके ऐड कर लेंगे। ओके गाइस, एंड यहाँ से इसकी फीड को हम घटा बढ़ा सकते हैं, तो इसे मैं थोड़ा सा घटा देता हूँ लगभग इतना एंड इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ब्लेंडिंग का ऑप्शन पे और यहाँ से हमें डार्कन इफेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। ओके गाइस, एंड फिर से देखिए टिक का साइन है, यहाँ से कर देंगे हम इसे डन एंड फिर से जाएंगे इस वाले आइकन पे एंड यहाँ क्लिक करेंगे एंड फिर से जाएंगे व्यू एडिट्स पे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से जाएंगे डबल एक्सपोजर पे, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से इन्वर्ट को क्लिक करेंगे एंड फिर से हम ये इरेज
के साइन पे क्लिक करेंगे, जहाँ से हम इफेक्ट को हटाना है इसको जीरो कर लेंगे और अपनी स्किन को कुछ इस टाइप से जूम कर लेंगे। ओके गाइस, और जहाँ जहाँ हमको नहीं चाहिए वहाँ का हटाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से हटा देता हूँ। इफेक्ट डालने की ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और इसकी बालों पे थोड़ा इस टाइप से हम स्लाइड करेंगे। इसे लगेगा कि रियल में ये लाइटिंग इफेक्ट डाल रही है। इसे और थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, 25 रखते हैं। अब इसे इरेज करते हैं, तो कुछ इस टाइप से हम अपने बालों पे इसको कर देते हैं। ठीक है, हो गया गाइस। फिर से देखिए टिक का साइन है नीचे, यहाँ से कर देंगे डन। अब हमें क्या करना है, फिर से एरो का साइन है, यहाँ से आ जाना है बैक। अब हमारी फोटो को क्वालिटी स्मूथ और लाइटिंग करना है, तो उसके लिए हम ये डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ओके गाइस, एंड यहाँ से शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लाइटरूम को सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसे हम यहाँ से स्नैपशीट को क्लोज कर देंगे, ओके, एंड लाइटरूम एप्लीकेशन को ऑफ एंड करेंगे। सो गाइस, मैं अपना लाइटरूम एप्लीकेशन ओपन कर चुका हूँ। एंड नेक्स्ट जाते हैं ऑल फोटोज़ पे, इस वाले ऑप्शन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पर है हमारी फ़ोटो, इस पर क्लिक करेंगे। सो गाइस, हमारी फ़ोटो लाइटरूम में ओपन हो चुकी है एंड एडिटिंग के लिए ऑप्शन आ चुके हैं। तो सबसे फर्स्ट में जाते हैं ऑटो टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे हमारी फ़ोटो की जो लाइटिंग है ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगी। अगर आपकी फ़ोटो की लाइटिंग सही से एडजस्ट ना हो तो आप सन वाले आइकन पे क्लिक करके यहाँ जाके अपने हिसाब से लाइट एडजस्ट कर सकते हैं। तो गाइस, मेरी फ़ोटो में लाइटिंग सही लग रही है तो मैं इसे स्किप करता हूँ एंड नेक्स्ट बढ़ता हूँ कलर की ओर। तो गाइस, नेक्स्ट जाते हैं इस वाले आइकन पे जिसको हम कलर कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ से जाएंगे हम मिक्स टूल पे, इस वाले आइकन पे, एंड सबसे पहले हम स्किन टोन को सही करेंगे। तो उसके लिए हमें ऑरेंज कलर पे जाना है, एंड ऑरेंज कलर में आ जाने के बाद इसके बाद ह्यू की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +34 रखते हैं एंड सैचुरेशन की वैल्यू को हम माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो सैचुरेशन की वैल्यू को हम -20 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +20 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं सियान कलर पे, एंड सियान कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +35 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम थोड़ा सा डिक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम -19 रखते हैं एंड नेक्स्ट जाते हैं ब्लू कलर पे, एंड ब्लू कलर में आने के बाद इसकी ह्यू को हम थोड़ा सा माइनस कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम -20 रखेंगे एंड इसकी सैचुरेशन की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम +50 रखते हैं एंड इसकी लुमिनेंस की वैल्यू को हम डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, इसे हम -25 रखते हैं एंड ऊपर से कर देंगे डन। अब हमारी फ़ोटो में क्वालिटी देनी है। ओके गाइस, तो उसके लिए इफेक्ट के ऑप्शन पे जाना है, इस वाले आइकन पे, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से क्लैरिटी की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे मैं +30 रखता हूँ एंड डी एच की वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो डी एच की वैल्यू को हम +20 रखते हैं एंड विगनेट की वैल्यू को हम माइनस की ओर लेके जाएंगे। तो गाइस, इसे हम -46 रखते हैं एंड मिड पॉइंट को डिक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम 12 रखते हैं एंड नीचे आते हैं फेदर, इसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम +84 रखते हैं एंड अब हमारी फ़ोटो को स्मूथ एंड लाइटिंग देनी है। उसके लिए हमें जाना है डिटेल के ऑप्शन पे, इस वाले आइकन पे। ओके गाइस, एंड यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से शार्पनिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देंगे। तो इसे हम +30 रखते हैं एंड नीचे आते हैं नॉइस रिडक्शन, इसकी वैल्यू को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस, इसे हम +14 रखते हैं
एंड नीचे आते हैं कलर नॉइस रिडक्शन, इसको भी हम थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। ओके गाइस, तो इसे हम प्लस ऐड रखते हैं। सो गाइस, हमारी फ़ोटो फाइनली एडिटिंग कंप्लीट हो चुकी है। बिफोर हमारा फ़ोटो ऐसा था एंड आफ्टर ऐसा। सो गाइस, काफ़ी अच्छी एडिटिंग हो चुकी है। अगर आपको ये एडिटिंग पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। तो गाइस, इस फोटो को सेव करने के लिए क्या करना होगा, हमें शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर देंगे, हमारी फ़ोटो सेव हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।